हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूँ ईशा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में बहुत सारे साग आते हैं, तो उन्हीं में से आज एक साग हम बनाएंगे, वो है बथुआ। बथुआ आलू की भुजिया। ये बहुत ही फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम मसाले में बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। तो आइए फ्रेंड्स, हम बथुआ आलू की भुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। बथुए की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो बथुआ लिया है, जिसे हमने साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद इसे हमने 3 से 4 पानी धो लिया है, और धोने के बाद इसे हमने बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज आलू लिए हैं, 1 प्याज लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है, आधा छोटे चम्मच जीरा लेंगे, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक एज पर टेस्ट लेंगे, 1 पिंच हींग लेंगे, 2 हरी मिर्ची लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम सरसों का तेल लेंगे। अब हम बथुए की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बथुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन कर लिया। अब पैन में हम सरसों तेल ऐड करेंगे और तेल को भी गर्म होने देंगे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे और जीरे को भी हल्का फ्राई कर लेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन को भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। ये हमारे लहसुन भी अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, ऐसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो हमारे प्याज है वो अच्छे सॉफ्ट हो जाए। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रख के इन्हें भूनेंगे। ये प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसाले को मिक्स करने के लिए, इससे जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और आलू को भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे यहाँ पे। इसे हम ढक के फ्राई करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। अब 3 मिनट के बाद हमारे आलू अच्छे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें बथुआ ऐड करेंगे। बथुए को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम लो करके इसे 4 से 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे ताकि बथुआ भी हमारा मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब 5 मिनट के बाद हमारे बथुए ने भी पानी छोड़ना चालू कर दिया है और इसी पानी में ये सब्जी जो है हमारी पक जाएगी, क्योंकि पत्तेदार सब्जी में बहुत पानी होता है और उसी पानी से ये सब्जी अच्छे से तैयार हो जाती है। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे जिससे कि जो ये पानी है वो अच्छे से सूख जाए और जो हमारी सब्जी है वो बनके तैयार हो जाए। अब 3 से 4 मिनट के बाद हमारा बथुआ भी अच्छा पक चुका है और आलू भी हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे बथुए आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बथुए की और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो आप भी इसे गर्मा गर्म फुलके के साथ, पराठे के साथ खाएं। कम मसाले में बहुत ही अच्छी ये बनती है सब्जी और ये बहुत ही पौष्टिक होती है। तो आप भी इसे बना के ट्राई करें और अपना फीडबैक हमसे शेयर करें। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।